सुनने वाली आज आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पैनल जीत गया है, तो आज आप तमाम गौलताबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, नमस्ते, जय भीम। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सब समाज के लोगों ने हमारे को साथ दिए और हमारे कलीम भैया का जो पैनल था उसको कामयाब करे, पूरे 9 सीट आए हमारे और मैं बहुत खुश हूँ। बाजी, अभी कुंडी बाजी, आप आपका पैनल जीत के आ गए हैं, तो अभी आप इस गौलताबाद के वार्ड के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं? अभी सबसे पहले तो स्कूल के जो बच्चों का है तो वो स्कूल का करेंगे अपन, और पानी की जो समस्या है महीने को एक बार आता तो इंशाल्लाह वो 4 दिन में पानी छोड़ेंगे, और बाकी के रोड के जो काम रुके हुए इंशाल्लाह वो पूरे काम करके देंगे। बाजी, आपको वोट कितने मिले? माशाल्लाह 494 परिवर्तन पैनल, और हमारा सरपंच भी चुन के आया, सबसे बड़ी बात है। गौलताबाद की आम जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं, सबसे पहली बात हमारे पास एक ताकत है सैयद कलीम भैया, और उसके बाद में युवा शक्ति, तो इन्होंने हमारे को जोश और जल्लोश से हमारे को जिताए, और उसी उम्मीद पे हम गांव का अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और गांव का विकास करके बताएंगे। अब बातें तो बहुत हो गई मगर अब काम करने का टाइम आ गया। आपको वोट कितने मिले साहब? हमारे को 1206 वोट मिले टोटल। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्लाह का लाख लाख एहसानो करम है, क्या हमारा पूरा पैनल चुन के आया, हमारा सरपंच के साथ 9 सीट चुन के आई, तो दौलताबाद की जनता का मैं आभारी हूँ, उनका एहसान, ये हम ऐसा एहसान है हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जो हमने वादे दिए थे इंशाल्लाह वादों पे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम। जो भी गाँव की समस्या है हमारी, हर चीज़ की, जो सब में बड़ी पानी की समस्या है, सब में बड़ी पानी की समस्या, महीने को 1.5 महीने में नल आता है, इंशाल्लाह हम 8-4 दिन में देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दौलताबाद में हमने पहले भी पैनल खड़े करे थे, पहले भी लोगों ने हम पे भरोसा करके और पूरे सीट और सरपंच चुन के दिए थे, लेकिन कुछ वजह से सरपंच हमारे साथ नहीं रहा, इसके लिए पिछले 5 साल हमसे गांव के काम बहुत कुछ कम हुए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस बार लोगों ने हम पे विश्वास करे और भरोसा करे, और दौलताबाद नगरी को आप बताएंगे हम के लोक प्रतिनिधि क्या रहता, कैसा काम करते, कैसा गांव का विकास करते, ये हम आप बताएंगे सब लोगों को, और गरीब लोगों को जो मदद होती है इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। इस गांव का, ड्रेनेज का, रोड का, लाइट का, पानी का, जो भी समस्या है मैं खुद यहाँ बैठ के और उसको हल करूँगा इंशाल्लाह। नमस्कार आणि सर्व देवगिरी दौलताबाद नागरिकांचे आभार आणि धन्यवाद। सर्वांनी आम्हाला आमच्या सर्व धर्मसमभाव ग्राम विकास परिवर्तन पॅनलला भरघोस मताने निवडून दिलेले आहे। आमच्या पॅनलचे प्रमुख कलीम भैया यांच्या नेतृत्वात पॅनल भरघोस मताने निवडून आलेले, आमचे सरपंच पदाचे उमेदवार रहीम भैया हे पण निवडून आलेले, आणि आमचे 15 पैकी 9 उमेदवार हे पण भरघोस मताने निवडून आलेले आहे, आणि आम्ही जसं ठरवलं आहे की प्राथमिकतेनुसार गावातील ज्या गरजा आहेत त्या आम्ही आमची सर्व टीम मिळून एक एक करणार आहोत। फक्त एकच विनंती गावकऱ्यांना, जसं तुम्ही सहकार्य केलं, मदत केली, भरघोस मताने निवडून दिलं, तसं जेव्हा काम असेल तेव्हा सहकार्य करा आणि परिवर्तनाच्या कामात सहभागी होऊन सर्व कामं एक एक करा। पुन्हा एकदा मी परिवर्तन विकास ग्राम विकास पॅनलच्या वतीने सर्व गावकऱ्यांचे व मीडियाचे व सर्व जे मित्रमंडळ ज्यांनी आमच्यासाठी कष्ट घेतले, मेहनत घेतली, धावपळ केली, त्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो, आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे मैं जसं की मी सांगतो की मतीन भैया आणि मुन्नीबाजी पॅनल नंबर 4 मध्ये आम्ही तिघं उमेदवार होतो, तर मुन्नीबाजीने 25 वर्षात जे कामं केलेले ते लोक म्हणतात की मुन्नीबाजीने कामं नाही केलेपेक्षा काय कामं केले हे जरा सांगितलं असतं तर लोकांना दिसतं असं मुन्नीबाजीने काय केलं। आता जसं की उदाहरण देतो, हे पाठीमागं फेरोज खान पठाणचं घर आहे जे आपण म्हणतो हसीनाबाबी, त्यांना त्यांनी घरकुल दिलं, बिचाऱ्यांना घरकुल दिलं, घर बांधायला जमीन पण दिली, असे भरपूर उदाहरणं आहे की गोरगरिबांसाठी मुन्नीबाजीने कामं केलेले। लोकांनी अफवा अशी पसरवली की मुन्नीबाजीने कामं नाही केली, पण जेव्हा मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला, संपर्क साधला, तर मी स्वतः बघितले त्यांनी काय कामं केले, कारण की लोक खोटं बोलू शकतात पण ज्याचं काम झालेलं तो व्यक्ती स्वतः खोटं बोलू शकत नाही, आणि ते प्रत्यक्षात मी स्वतः बघितलं आहे। त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सर्व पॅनलच्या वतीने सर्वांचे धन्यवाद देतो, आणि मी स्पेशल किशोर सुमेध दादा वार्ड नंबर 4 मधून निवडून आलो, त्याच्याबद्दल मतीन भैया आणि मुन्नीबाजी यांचे मनापासून मी आभार मानतो।